हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी गान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ग्ञान यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने अभी रिसेंटली जनरल नॉलेज 2023 जो अरिहंट पब्लिकेशन की जो आ, किताब है उसको स्टार्ट किया है तो पहला वीडियो है ये और इसमें जो इम्पोर्टेंट इंडियन हिस्ट्री हो गया जोग्राफ़ी इकोनॉमी पॉलिटी सारे टॉपिक्स को मैं वन बाय वन धीरे धीरे कवर करूँगा जो कि इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ जो मार्क्स मैन की किताब है जो ट्वेंटी वन थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज की जो बुक हमने स्टार्ट की थी वो भी पैरलली उस सीरीज़ को भी चलती रहेगी दोस्तों और इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा बुक को भी स्टार्ट किया है और थोड़े दिन बाद हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर्स को भी लेकर आएंगे जो फेबर <coughs> का मंथ का जो लेटेस्ट करेंट अफेयर्स है वो भी आ चुकी है वो भी हम लोग वेट कर रहे हैं तो जैसे ही आ जाएगी तो हम लोग उसके पर भी वीडियो बना देंगे तो बहुत सारा काम है और उसके साथ साथ हम लोग शॉर्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है अगर आप ये तक आपने नहीं देखा है तो शॉर्ट्स भी हमारे चैनल में जाके देखिए राइट तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो जनरल नॉलेज 2023 थाउजेंड पब्लिकेशन के द्वारा जो लाई गई किताब है जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे दोस्तों ठीक है इसके ऑथर कौन है मनोहर पांडे जी बहुत ही अच्छी किताब है ये और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर में शॉर्ट एंड सिंपल में लिखा गया है डायरेक्टली आपको अच्छे से याद हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि इंडियन हिस्ट्री आज का टॉपिक है सो so पहला जो है हमारा एशियंट इंडिया है दोस्तों पहला टॉपिक प्री हिस्टोरिक पीरियड ओके okay, देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड आपको थ्री पीरियड्स में डेवलप डे किया गया है राइट जिसे हम पैरालैथिक पीरियड कहते हैं फिर उसमें आपको लोअर मिडिल अपर पैरालैथिक है उसके बाद मिसोलैथिक आएगा आपको राइट नियोलिथिक है चालकोलिथिक है सो so, आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो बेसिक आइडिया रखना चाहिए आपको वही पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप दूसरे पब्लिकेशंस में वहाँ पर जा सकते हैं बट यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल दिया गया है दोस्तों आपको राइट right? सो so, पहले पीरियड में देखेंगे तो होमोसैपियंस फर्स्ट अपेयर टवर्ड्स अपे द एंड ऑफ दिस फेज जब ये फेज खत्म हो रहा था तब हमको होमोसैपियंस देखने को मिले हैं राइट सो इन दिस पीरियड द मैन बेरली मैनेज टू गैदर इज फूड एंड सब्सीडेड ऑन हंटिंग डिस्टिंग्विश बा डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट स्टोन टूल्स मेडअप ऑफ क्वारजाइट याद रख लीजिए सो क्वारजाइट से बने हुए टूल्स को पहली बार यहाँ पे देखा गया एंड अगेन इसको तीन फेजेस में डिवाइड किया गया लोअर पैरालिथिक अपर मिडिल पैरालैथिक और अपर पैरालैथिक दोस्तों ठीक है नेक्स्ट है हमारा पीरियड मिसोलेथिक डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पर्टिकुलरली जो डॉग्स होते हैं यहाँ पर हमको ज्यादातर देखने को मिले उनके जो बोन्स हमको मिले हैं ना मिसोलेथिक पीरियड में तो डॉग्स के पाए गए एंड भीम भटका इन मध्य प्रदेश इज नोन आज फॉर एशियन केवस डिपेक्टिंग पिक्चर ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूम नेक्स्ट हो गया हमारा नियोलेथिकीपुलट फायर एंड व्हील इंपॉर्टेंट तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फायर और व्हील कौन से पीरियड में इसको लाया गया है तो इट्स ए नियोलैथिक पीरियड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एन इंपॉर्टेंट साइट ऑफ दिस एज इज बर्जाउम विच मीन द प्लेस ऑफ ब्रिच याद रख लीजिए सो नेक्स्ट है हमारा चालकोलैथिक पीरियड दोस्तों यहाँ पे आपको कॉपर एंड स्टोन में टूल्स पाए गए देखिए याद रख लीजिए पहली बार हमको जो व्हील और फायर दिखा गया था न्योलैथिक में और चारकोलैथिक में आपको कॉपर एंड स्टोन मेड टूल्स दिखे गए थे दे प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वेनेटेड मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल किस किसको पूजा करते थे बुल को पूजा करते थे नेक्स्ट आता है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द फोर अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड जो रेडियो कार्बन डेटिंग जो एक्चुअली प्रोसीजर होता है uh, उसके जरिए से हम लोग जो है एज पता लगाते हैं तो उसके ज़रिए से हमको पता चला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है डेटेड अराउंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू सेवनटीन फिफ्टी बी सी सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग वॉज बेस्ड ऑन ग्रिड सिस्टम दोस्तों ओके आपने देखा होगा किस तरह से वो एग्जैक्टली नाइनटी डिग्रीज में सारा कुछ अपने ग्रिड सिस्टम मेंटेन किया करते थे वहाँ पर बर्न बिक्स पाए गए वेल मैनेज ड्रेनेज सिस्टम फोर्टी फाइव सीटेडिल था वहाँ पर और मोस्ट फेमस पार्ट ऑफ दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ए ग्रेट बाथ मोहनजे दारो वॉज यूज फॉर रिलीजियस बाथिंग दे व चेंजिंग रूम्स अलॉन्ग साइड दोस्तों सिक्स granaries इन ए रो वर फाउंड इन ए सीटेडल एंड हरप्पा द टाउन्स वर डिडेड इन टू टू पार्ट्स अपर पार्ट और सीटेडल एंड लोअर पार्ट दोस्तों और हरप्पन जो है उनको क्लास ऑफ मर्चेंट के द्वारा रूल किया जाता था और यहाँ पे कोई वेपन्स का हमको कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी तक और इंडस पीपुल्स सोड सीड्स इन नवंबर एंड रीप देर हार्वेस्ट इन अप्रैल दोस्तों प्रोड्यूस क्या क्या बनाते थे ये बहुत बार पूछा इनफैक्ट आई में भी पूछा एग्जाम में जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है प्रोड्यूस वीट बार्ली रॉय पियाज सीएम राइस एंड मस्टर्ड इंडस पीपल वर यू फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन the द ग्रीक टर्म एस सिंडम दोस्तों से derived फ्रॉम सिंध एनिमल नोन वर ऑक्सन हो गया शीप बफेलो goat, pig, एलिफेंट डॉग कैट एसेस एंड कैमल्स दोस्तों ओके okay? तो भी थे आपको जो जो इंपॉर्टेंट points थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहां पे कवर किया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं सो वेल knit एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड देखने को मिला यहां पे. बाटर सिस्टम बहुत ही प्रिविलेंट था दोस्तों और वेरी इंटरेस्टिंग फीचर की बात करें तो यहाँ पे आपको आयरन किसी को पता नहीं था कई सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे क्योंकि कॉपर स्टोन तो हमको नियोलिथिक में ही पता चल गया था नियोलिथिक या चाल ओ चालकोलिथिक में ही पता चल गया था और सभी लोग सोचते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आयरन इनको पता है बट नो आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल द इंडस पीपल यूज वेट्स एंड मेजर्स इन द मल्टीपल ऑफ सिक्सटीन हरप्पन लुकड ऑन द अर्थ एज ए फर्टिलिटी गॉडेस एंड फालिक एंड योनी वर्शिप वॉज प्रिवेलेंट ओके ऑनलियन वॉज अ मोस्ट वर्शिप एनिमल दोस्तों मेनी ट्री जैसे पीपल का झाड़ एनिमल्स की बात करें तो बुल बर्ड्स की बात करें तो पीजियन थे ओके स्टोन्स भी थे वहां पर और कोई टेम्पल का एविडेंस हमको नहीं मिला उधर डेड बॉडीज वर प्लेसड इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दोस्तों ओके सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेड बॉडीज को रखा जाता था इस तरह से राइट सो द सील ऑफ पशुपति डिपिक्स एलिफेंट टाइगर रायोसोरस एंड बफेल्स टू डी अपेयर एट द फीट ऑफ पशुपति उसके बाद इंडस्ट पीपुल बिलीव्ड इन घोस्ट हो घोष्ट में बिलीव करते थे एंड दे बिलीव्ड ईविल फोर्सेस एविडेंट बाय द यूज ऑफ एमुलेट्स ओके जो जादू टोना कर जाता है फायर आल्टर्स ये भी इंपॉर्टेंट है कहाँ पे पाए गए लोथाल और कालीबंगन में द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट क्रिएशन ऑफ हरप्पन कल्चर क्या है दोस्तों सील्स थे ये हमको एविडेंस के तौर पर मिला भी है एंड हरप्पन स्क्रिप्ट क्या थी पिक्टोग्राफिक थी पिक्टोग्राफिक मतलब क्या है मतलब जैसा आप अभी इंग्लिश देख रहे हैं उस तरह से कोई लिपि नहीं होती और दे विल शो केस ऑल द थिंग्स थ्रू द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जैसा उर्दू लिखी जाती है इन द फर्स्ट टाइम उसके बाद फिर लेफ्ट टू राइट शुरू की जाती है इसको हम बोस्ट्रोफेडॉन कहते हैं दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑक्युपेशन प्रैक्टिस वर स्पिनिंग वीविंग बोट मेकिंग गोल्ड स्मिथ मेकिंग पॉटरी एंड सील मेकिंग द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन मे बी इन्वेशन ऑफ आरियंस रेकरेंट फ्लड्स सोशल ब्रेकअप ऑफ़ हरपन अर्थक्विक्स बाउंड्रीज़ क्या थे नॉर्थ में मंडू था साउथ में दाइमाबाद ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुक्ताजेंडर ठीक चलिए इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में और उसके डिस्कवरी के बारे में बताया गया हरप्पा जो कि रावी निवर के रिवर के पास है इन गर्मी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब अभी पाकिस्तान में है इसको दयाराम साहनी जी ने 1921-23 में एक्सकैवेट किया था दोस्तों और इसको जो है सिविलाइजेशन को हरप्पन रखा गया है यहाँ पे हमको डांसिंग नटराजा हमको मिला था दोस्तों उसका मोहनजोदारो की बात करें तो इंडस रिवर के किनारे हैं ओके okay, अभी ये भी पाकिस्तान में है ये आर डी बेनर्जी साहब ने इसको एक्सकवेट किया था नाइनटीन में द मेन बिल्डिंग क्या है ग्रेट बाथ ग्रेट ग्रेनरी ओके द डांसिंग गर्ल मेड अप ऑफ ब्रोन्ज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ये भी यहाँ पे मिला था चाहूदारो डिस्कवर्ड बाई एनजी मजुमदार ओके okay, एंड ओली इंडस साइट विदाउट सीटर डल फिगर्स हमको देखने को मिले यहाँ पे लोथल की बात करें तो एसआर राव साहब ने डिस्कवर किया था जो कि रिवर भगोवा के पास है ए पार्ट ऑफ दॉज डिवाइड टीटरल इन टोन एंड डॉकेट राइट उसके बाद काली डिस्कवर्ड बाई बी बी लाल दोस्तों सिचुएटेड नियर घग्घर रिवर एक प्लाउड फील्ड हमको देखने को मिली वहाँ पे कैमल के बोन्स देखने को मिले उधर राइट right? सर्कुलर ग्रेव रेक्टेंगुलर ग्रेव देखने को मिला ढोलाविरा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट साइट है ये आपको खच्छ डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है और एक यूनिक वाटर मैनेजगल सिस्टम हमको देखा गया दोस्तों राइट right? सुर्खा जो कि जे जोशी साहब नाइनटीन में इसको फाउंड या डिस्कवर किए थे एविडेंस ऑफ हॉर्स मिले थे हमको यहाँ पे ओके okay. और पिट बरियल सा हमको देखने को मिला था बनवाली दोस्तों जो कि सरस्वती रिवर के पास है आर एस बिश्ट साहब ने इसको निकाला था बाहर एंड एविडेंस ऑफ बोधपीरी हप्पन हरप्पन कल्चर देखने को मिला राखीड़गढ़ी लार्जेस्ट इंडियन वैली साइट क्लियर सो दिस आर द हरप्प और इंडस वैली साइट्स और क्या क्या हमको मिले हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्रिप्स एंड सिंपल लिखा गया है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वैदिक पीरियड में आ चुके हैं हम लोग और रिग वैदिक पीरियड शुरू हुई है कहा से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट सेल पीपल एंड ओरिजिनली बिलीव टू हैव लिव्ड समवेयर इन स्टेपिस दोस्तों द होल रीजन इन विच वर फर्स्ट सेटल इन इंडिया और कॉल्ड लैंड ऑफ सेवन रिवर्स ओके क्या कहते थे उसको लैंड ऑफ सेवन रिवर्स या फिर उसको सप्ताह सिंधावा भी कहा जाता था ओके okay? इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दशाजन वार बैटल ऑफ टेन किंग्स ये बहुत बार आपने सुना होगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे होंगे अगेनेस सुदास जो कि भारत किंग ऑफ ट्रिशास बैंक ऑफ परूशनी हुआ था दोस्तों और सुदास को इसमें जीत हासिल हुई थी पोलिटिक ऑर्गेनाइजेशन कैसा था इनका इट वॉज मेनली ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द मिलिट्री एलिमेंट वॉज स्ट्रॉग ट्राइब वॉज नोन एज जना एंड इट्स किंग वॉज राजन इंपॉर्टेंट ऑल दोंग पोस्ट वॉज हेरिडेटरी था वी आल्सो हेव सम्रेसेस ऑफ इलेक्शन बाई ट्राइबल असेंबली कॉल्ड

डिफरेंस याद रख लीजिए सोसाइटी की बात करें पीपल वर लॉयल टू द ट्राइब कॉल्ड जना कहा जाता था इनको क्योंकि एंड किंगडम टेरी जैसा आप अपने उसके बाद देखा है वैसा कोई नहीं था और वोमेन्स को बहुत ही फ्रीडम और रेस्पेक्ट दिया जाता था दोस्तों इसीलिए हमारे जो दयानंद सरस्वती जी थे आर्य समाज के फाउंडर उन्होंने उनका स्लोगन यही था कि बैक टू वेदास कि वेदास में जिस तरह से एक वुमेन को रेस्पेक्ट दिया है फ्रीडम दिया है वो कहीं भी नहीं है कौन से किंगडम में नहीं है चाहे वो मुगल ले लीजिए चाहे कुछ भी ले लीजिए कोई भी किंगडम में नहीं इसीलिए बैक टू वेदास का नारा लगाया गया रिलीजियस की बात करें तो वर्शिप नेचर इंदिरा ओके वॉज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी सोमा को जो है गॉड ऑफ प्लांट्स कहा जाता था इम्पोर्टेंट है दोस्तों पीपुल वर्शिप द डिविनिटीज मेनली फॉर प्रजा पशु ओके नो टेम्पल और आइडल वर्शिप वॉज नोटेड ठीक है चलिए नेक्स्ट इकोनॉमी की बात करें नो रेगुलर रेवेन्यू सिस्टम किंगडम मेंटेन बाय वॉलन्ट्री ट्रिब्यूट कॉल्ड बाली एंड बूटी ऑन द बैटल्स आर्यन मेन ऑक्युपेशन वॉज मेनली पास्टोरल, एग्रीकल्चर वॉज अ सेकेंडरी ऑकुपेशन दोस्तों कौ वॉज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्चेंज गोल्ड क्वाइंस निश्का क्रिस्ल सतमाना सब थे एंड द स्टेपल क्रॉप वॉज यवा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यवा क्या है बार्ली है ये टर्म्स है थोड़े ऋग्वेदिक में दस्यू सथिंग बट ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया अयास कॉपर और ब्रॉन्स वज्रपति कलापास जो कि ऑफिसर एंजॉइंग द अथॉरिटी ओवर लार्ज ट्रैक्ट ग्रामिनी हेड ऑफ विलेज गविश्ती फाइटिंग हॉर्ट सर्च फॉर कौस ओके रिवर्स की बात करें इंडस को सिंधु कहा जाता था खुर्रम को क्रुमू झेलम को वितस्था चिनाब को या चिनाब को अस्किनी रवि को परुशिनी ब्यास को विपास कहते थे उस लोग सटलच को सुतुद्री कहते थे गोमती को गोमल सरस्वती को सरस्वती जस्ट लेटर इज डिफरेंट घगर की बात करें तो दृशा दवती कहा जाता था दोस्तों ओके दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्योंकि प्रीवियस एग्जाम में इसके ओल्ड नेम्स उसको पूछे गए थे ओके फाइव फाइव करके आप इसे याद कर सकते हैं ईजीली उसके बाद आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड थाउजेंड टू फाइव हंड्रेड बी सी जहाँ पे आर्यन एक्सपैंडेड फ्रॉम पंजाब ओवर द होल वेस्टर्न उत्तर प्रदेश कवर्ड बाय गंगा यमुना दुआब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए किंग जो सम्राट थे बिकेम मोर पावरफुल एंड ट्राइबल अथॉरिटी टेंटेंट टू तो बिकेम टेरिटोरियल किंग्स पोजिशन स्ट्रेंथन बाय रिचो लाइक like अश्वमेधा मेधा वजय पाय सोसाइटी की बात करें सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड फोर वरनास दोस्तों कितने वरनास में फोर वरनास में यहाँ से क्या सिस्टम शुरू हुआ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूदरा ओके okay, और यहां से जो है की पोजीशन बहुत ही डिटरेट होती गई उनको अंदर रखा गया पर्दे में रखा गया राइट right? उनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया नेक्स्ट okay? आता है हमारा बुद्धिज्म कर लेता बुद्धा ऑल्सो नो ना सिद्धार्था और सख्य मनी और तत्क हाटा दोस्तों बॉर्न इन फाइव सिक्स लुम्बिगिनी इन नेपाल इन सख्या क्षत्रिय क्लैन इनके पिताजी का नाम था शुदोधना वॉज ए शक्य रूलर एंड इज मदर महामाया ऑफ कौशालन डायनेस्टी ओके बट इनका जो ध्यान थे बहुत ही कम उम्र में हो जाता है तो उनकी जो स्टेप मदर थी गौतमी उन्होंने उनको पाल पोसा है बड़ा किया इनका विवाह यशोधरा से हुआ है और उनको एक सुपुत्र है उनका नाम है राहुल तिरत्नास इन बुद्धिज्म स्टैंड फॉर थ्री पिलर्स बुद्धा इट्स फाउंडर धम्मा इट्स टीचिंग सांगा ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्ग एंड नन्स दोस्तों टू सेक्ट्स नेमली बुद्धिज्मयाना एंड महायाना ठीक है फेजेस ऑफ बुद्धा लाइफ की बात करें बर्थ जो कि महाभिशनिएशन है सॉरी बर्थ की बात करें तो लोटस एंड बुल और महाबिनिम जो कि हॉर्स है सिंबल निर्वाणा बोधी ट्री सिंबल धर्मचक्र परिवर्तना व्हील है सिंबल महापरिनिर्वाणा स्तूपा है दोस्तों ठीक है चले नेक्स्ट बात करते हैं दधम्मा की दोस्तों दधम्मा द फोर ग्रेट थ्रू चार सच्चाई जो बताई गई है बुद्धिज़्म में द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सैर मिजरी ये तो हंड्रेड परसेंट है आज भी वैसा ही है द कॉज ऑफ़ ऑल पेन मिज़री इज़ डिज़ायर दोस्तों ये भी सही बात है जितनी लंबी आपकी ख्वाहिश होगी जितने आपके यू नो हिस्से से ज़्यादा आप ख्वाब देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको तो पेन उठाना ही पड़ेगा आजकल कल की जो यंग जनरेशन है अगर थोड़े पैसे कमाने लगे तो वो अपने हद से ज़्यादा खर्च करते हैं और आगे जाकर ऐसे डेड ट्रैप में फंस जाते हैं राइट उनको ना रातों को नींद होती है ना चैन होता है ना पीस ऑफ माइंड होता है उसके लिए वो लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं नहीं शराब पीना शुरू कर देते हैं मतलब क्यों जितनी चादर है अगर उतनी फैलाएंगे तो यू कैन लिव हैप्पीली एटलीस्ट यू हैव ए पीस ऑफ माइंड बट नहीं आजकल का यंग जनरेशन जो है पता नहीं ऐसे ऐसे चीज़ों को अट्रैक्ट हो जाता है राइट लेट इट भी इन्होंने सही बात कहा थी कॉज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरीज डिज़ायर ओके एंड uh, यहाँ पे पेन एंड मिजरी कैन भी एंडेड बाई किलिंग और कंट्रोलिंग डिज़ायर कंट्रोल कर सकते हैं राइट right? डिजायर को किल नहीं किया जा सकता वी आर नॉट एंजल्स और वी आर नॉट गॉड हम मुझे भी कई सारे डिजायर्स होते हैं बट उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने यू नो लेवल के हिसाब से अपने हैसीयत के हिसाब से सो डिज़ायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग एट फोल्ड पाथ पहले राइट अंडरस्टैंडिंग राइट थाट ओके राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट्स राइट स्पीच राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन ठीक okay? उसके बाद है मध्यम वर्ग द मिडिल पाथ मैन शुड अवॉइड बहुत एक्सट्रीम्स द लाइफ ऑफ कंफर्ट्स एंड लेग्जर एंड लाइफ ऑफ सीवियर एस्टिज्म ठीक बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो पाली में कॉमनली रेफर टू एज थ्री पीटाकास दोस्तों जिसे हम विनाया पीटका कहते हैं रूल ऑफ डिसिप्लिन इन बुद्धिस्ट मोनिस्ट्री सुट्टा पीटका है इट कंटेंस कलेक्शन ऑफ बुद्धा सरमन्स एंड टीचिंग इट इस लार्जेस्ट अमॉंग ऑल थ्री पीटकास और अभिधम्मा पीटका जहाँ पर आपको पूरे फिलोसफी प्रिंसिपल्स के बारे में एक्सप्लेसन दिया गया है ओके okay. महावंश और दीपावंश जो है uh, ये फाउंडर है सॉरी नॉट फाउंडर ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के दूसरे फॉर्म्स हैं जो श्रीलंका में पाए गए हैं हमको काजे ऑफ डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म यूज ऑफ क्रांसकृत द लैंग्वेज ऑफ इंटेलेक्चुअल इन प्लेस ऑफ पाली द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल और यहाँ से जो है हिंदुज़म ओवरटेक कर चुका था ये भी इंपॉर्टेंट है बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुए थे डायरेक्टली एग्जाम में बहुत बार पूछा है पहला बुद्धिस्ट काउंसिल फोर एटी थ्री बी सी में प्लेस कहाँ थी राजागृह में इसके चेयरमैन कौन थे जब महाकश्यप और किंग कौन थे अजता शस्त्रु ठीक है सेकंड थे 383 एटी वैशाली चेयरमैन कौन थे सबकामी कामी और किंग कौन थे काला अशोका थर्ड चेयरमैन की बात करें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो 250 फिफ्टी बी सी पाटाली पुत्रा चेयरमैन थे मुगल पुट्टा तीसा और कौन थे इसके अशोका थे दोस्तों किंग फोर्थ की बात करें 72 टू ए प्लेस वासुमित्रा थे अश्व और कनिष्का वहां के राजा थे दोस्तों चलिए डायनेस्टी ऑफ एशियंट इंडिया ये टेबल अच्छे से याद कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बहुत ही सिंपल में दिया है शॉर्ट एंड सिंपल इजीली रिमेंबर हो जाएगा नेक्स्ट है डायनेस्टी ऑफ इंडिया हरियांका डायनेस्टी बिम्बी सारा वॉज अ फाउंडर हु एक्सपैंडेड द मगधा किंगडम बाई एनेक्सिंग अंगा एंड एंटरिंग इंटू मैट्रीमोनियल अलायंस विद कोसाला एंड वैशाली ई वॉज ए कॉन्टेप्रेरी ऑफ बुद्धा कैपिटल क्या है राजगीर है अजथा शस्त्रु केम टू पोअर बाय किलिंग इज फादर ए नेक्स्ट वैशाली कौशाला लिछावी किंगडम उदायन फाउंडेड ए न्यू कैपिटल पाटली पुत्र ओके ये एक्चुअली पूछा गया था एग्जाम में हु फाउंडेड द पाटली पुत्रा तो एक्स करेक्ट आंसर है इसका उदायन दोस्तों ओके okay. बहुत सारे लोग अजथा शस्त्रु लिख कर आ गए थे बट इट्स अ रॉन्ग आंसर उदायन वॉज अ फाउंडर थोड़ा जूमऑट कर लेता हूँ नेक्स्ट okay. है हमारा शिशुनागा डायनेस्टी फाउंडेड बाय शिशुनागा काला अशोक का. ओके okay. और काकावेन ऑफ दिस डायनेस्टी कन्वीन द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल दर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या था डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती दोस्तों उसके बाद नंदा डायनेस्टी आ गई है कंसिडर्ड एज अ नॉन क्षत्रियन डायनेस्टी फाउंडेड बाय महापदमा नंदा अलेक्जेंडर जब अटैक किया था इंडिया को तब नंदा डायनेस्टी ही थी दोस्तों ओके एंड साइरस वॉज अ फर्स्ट फॉरिन इन्वेडर ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट एलेक्जेंडर द किंग ऑफ मैसेडोना इन्वेडर इंडिया थ्री ट्वेंटी सिक्स बी सी एंड फॉर द बैटल ऑफ हेडासप विथ पोरस ऑफ पौरवा डिनेस्टी

Uh, एक एम्बेसडर हैं जिन्होंने इंडिका बोल के नाम की किताब लिखी है उन्होंने जो है एज एम्बेसडर चंद्र गुप्ता के कोर्ट में रहते थे हिज मदर वॉज मूरा एशूद्रा ओमेन इन नंदा कोट और मुद्रा खासा वॉज रिटन बाई विशाखा दत्ता दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके मुद्रा खासा किसने लिखा विशाखा दत्ता ने जहाँ पर इन्होंने चाणिक और यू नो चंद्र से एनिमी जो थे उस किस तरह से मैकेजेशन था उसके बारे में डिस्क्राइब किया ये अडोप्टेड जैनिज़म एंडवेंटो शावना बेलगोला विद बद्रा गाहू ये कर्नाटक में ही आता है उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर है बिंदु सारा ही वॉज कॉल्ड अमित घाट दोस्तों बाई ग्रीट राइटर्स ग्रीक एम्बेसडर डिमैशोस विजिटेड कोर्ट एंड सेट टू कॉन्कर द लैंड बिटवीन टू सी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल बिंदु सारा अपॉइंटेड एलडल सुमाना एज इज वॉयसॉय एट तक्षशिला एंड अशोका एट उज्जैन उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर है अशोका टू नाइनटी थ्री टू टू सेवेंटी थ्री बी सी फॉर द फर्स्ट एट ईयर अशोका रूल लाइक ए क्रूएल किंग एंड मेंटेन डिसिप्लिन दोस्तों जब उनकी कलिंगा बैटिल है तब तो उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करके बदला ही वॉज कॉल्ड देवनाम प्रिय डियर टू गॉड्स इन द नेम ऑफ इंस्क्रिप्शन ठीक है द नेम अशोक अकर्ड्स ओली द कॉपीज ऑफ माइनर रॉक एडिट एडिक्टन थ्री लैंग्वेजेस को यूज किया गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन में कौन से थे थ्री लैंग्वेजेस वो भी इंपॉर्टेंट है एक प्राकृत थी दूसरा ग्रीक थी और तीसरा अरामिक थी नॉट अरबिक इट्स अरामिक ओके सो मोस्ट ऑफ द अशोकन एडिक्ट रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओके एंड जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने इसको डिसाइफर किया था एंड द ब्राम स्क्रिप्ट ऑफ अशोकन इज 1837 में अशोका वाज अ फर्स्ट किंग टू मेंटेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन जब कलिंगा वॉर हुआ था जो कि थर्टींथ मेजर रॉक एडिक्ट में इसके पर मैंशन किया गया था तब अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था दोस्तों सांची स्टूपा वॉज बिल्ड बाय अशोका द लास्ट मॉरियन किंग बृहद्रता वॉज किल्ड बाई पुष्यमित्र सुंगा और उन्होंने क्या किया सुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया द पंचमार्क कॉइन कैरिंग द सिम्बल ऑफ पीकॉक एंड द हिल एंड क्रिसन फेम द इम्पीरियल करेंसी ऑफ मौरियास द मोरेन आर्टिसन स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ कार्विंग केव्स ऑफ मॉन्ग्स टू लिव इन और बराबर केवस जो गया के पास है वो एक एग्जाम्पल है दोस्तों मोरन केव्स का रिंगवेल फॉर डोमेस्टिक यूज ऑफ वाटर अपियर अंडर मोरियास और श्रीलंका इज कॉल्ड तमरा पानी दोस्तों यहाँ देख लीजिए अशोका जब भी अपने इंस्क्रिप्शन में लिखता था श्रीलंका के बारे में तो उन्होंने तमरा पानी बोल के मैंशन किया था ठीक है चलिए नेक्स्ट है सुंगा डायनेस्टी सुंगा डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश बाई पुष्यमित्रा सुंगा दे वर बेसिकली ब्राह्मि दिस पीरियड रिवाइवल ऑफ भगवत दोस्तों पतंजलि रोड महाब्य एट दिस टाइम इन आर्ट्स द स्तूपा इज अ मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ सुंगा पीरियड उसके बाद कानवा डायनेस्टी इन सेवेंटी थ्री बी सी देवभूटी द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वर मर्डर वाइस मिनिस्टर वासुदेवा असर द थ्रोन एंड फाउंडेड द कानवा डायनेस्टी विच वज लेटर रिप्लेस बाय साता दोस्तों ठीक है चलिए इसके बाद आता है इंडो ग्रीक्स आते हैं हमारे द फर्स्ट द मोस्ट फेमस किंग अमोंग द इंडो ग्रीक्स वॉर्ज मिनंदर क्या है मिनंदर ऑल्सो कॉल्ड मिलिंडा कैपिटल क्या था इनका सखाला था दोस्तों कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म बाई नागा सेना हैज पर मिलिंदा पाहो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है मिलिंदा uh, पाहो एक पाली टेक्स्ट है जो नागा सेना ने लिखा था ओके सो यहाँ पे मिनंदर जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया था द ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इश्यू कॉइंस एट्रीब्यूट टू द किंग एंड आल्सो द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया इंट्रड्यूड हेलेनिस्टिक आर्ट ग्रीक्स कैन कौन सा आर्ट इंट्रोड्यूस किए थे हेलनिस्टिक शाखा की बात करें द मोस्ट फेमस शूडर वार रुद्रा दमन दोस्तों हु रिपेर्ड सुदर्शन अ लेक इन कतिया वार रीजन एंड यू शूड फर्स्ट एवर इंस्क्रिप्शन इन छास्ट संस्कृत जुनागढ़ इंस्क्रिप्शन सातवान स्ट्रॉइस विक्रमादित्य द किंग ऑफ उज्जैन

ये क्या थे एक नोमैडिक पीपल थे फ्रॉम स्टेफिस ओके एंड कनिष्का वाज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सखा एरा इन एटी सो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु स्टार्टेड सखा एरा तो करेक्ट आंसर इसका कनिष्का खुशाना वर द फर्स्ट रूलर्स टू इशू द गोल्ड कॉइंस ऑन ए वाइड स्केल नोन फॉर मेटालिक प्यूरिटी दोस्तों ओके सो पहली बार जो गोल्ड क्वाइंस इशू किए थे न, कौन थे खुशाना थे इन द रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का होस्ट ऑफ स्कॉलर्स फाउंड पैटर्न लाइक परसवा वाशुमित्रा अश्वघोषा ही ऑल्सो पैटर्न एज ए ग्रीक इंजीनियर एसी लॉस क्या चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जो साउथ में आती है सातावाह से दोस्तों सीमुखा 60 टू 37 सेवन बीसी वॉज अ फाउंडर ऑफ सातावाहाना डायनेस्टी सातावानासनली सक्सीडेड बाई इश्व इन थर्ड सेंचुरी दोस्तों सातवानास के पे कई सारे चैत्यास थे वर्शिप हॉल्स बनाए गए विहारास को बनाए गए दोस्तों ये ज्यादातर आपको नॉर्थ वेस्ट डक्कन और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा नासिक कन्हेरी और करले में द ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी सातावानास की प्राकृत थी और इशूड कॉइन्स ऑफ लेड मेनली कॉपर ब्रोंज एंड पोर्टीन और पहली बार गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किया था वो भी याद रख लीजिए किसने कनिष्का ने कनिष्का या कुशन रूलर्स ने कनिष्का वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ कुशन तो

वो आर सिचुएटेड ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ पांड्या किंगडम बिटवीन पेन्नार एंड वेल्डार रिवर्स दर कैपिटल वॉज कावेरीपट्टम दोस्तों की बात करें द कैपिटल वॉज वंजी इट हैड इम्पोर्टेंट ट्रेड रिलेशन विथ रोम संगम लिटरेचर संगम वॉज ए कॉलेज और एन असेंबली ऑफ तमिल पोइट्स हेल्ड अंडर रॉयल पैटर्नेज तीन बार संगम हुआ था पहला मदुरई में जो कि अगस्ता ने वहां पे हेड किया था कपटपुरम जो के छेड़ बाय तोलियार एंड अगेन इन मदुरई छेड़ बाई नकीरार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीन भी क्योंकि एग्जाम में आए थे कुरल बाय तिरवल्लूर इज कॉल्ड द फिफ्थ वेदा और बाइबल ऑफ तमिलनाडु उसके बाद गुप्ता पीरियड की बात करें तो इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड कौन है दोस्तों चंद्रगुप्ता वन मैरिड ए लिछावी प्रिंसेस हु हुई पोजिशन एंड एनहैंस द प्रेस्टीज ऑफ गुप्ताज ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अक्वायर द टाइटल ऑफ महाराजा दी राजा ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो चंद्रगुप्ता वन जो गुप्ता पीरियड के हैं तो पहले गुप्ता रूलर थे जिन्होंने महाराजा दी राजा टाइटल दिया गया था चंद्रगुप्ता वन वॉज एबल टू एस्टाब्लिश अथॉरिटी और मगधा प्रज्ञान सके था दोस्तों चले नेक्स्ट है हमारा समुद्र गुप्ता हि इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके ऑन अकाउंट ऑफ दिस कॉन्क्वेस्ट मेगा वर्मन वॉज द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट ए मिशनरी टू यूज कोर्ट फॉर परमिशन टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया अल्हाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट समुद्र गुप्ता इट वॉज कंपोज बाई कोर्ट पोएट हरिसेना टाइटल ऑफ कविराज एंड विक्रमा दोस्तों ओके सो समुद्रगुप्ता को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता था और 335 थर्टी फाइव टू थ्री एटी एड चंद्र गुप्ता टू थ्री एटी टू फोर फोर्टीन मेहरौली इंस्क्रिप्शन ऑन आयरन पिलर नियर खुतुब मीनार ये इनके बारे में ही बताता है इस कोर्ट वॉज अडोन्न बाय कौन नवरत्नास दोस्तों okay. और इनके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीव थे जिसका नाम था कालीदासा एंड अमरा सिम्हा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कालीदासा किसके टाइम पे थे दोस्तों नॉट इन वन चंद्रगुप्ता वन इट इज चंद्रगुप्ता टू और फाहीन ये भी बहुत ही पूछा गया एग्जाम में चाइनीज प्लेग्रीम है विजिटेड ड्यूरिंग इज रीन डिफिटेड सका शत्रपा रुद्र सिंहा चंद्रगुप्ता टू ऑलसो सक्सेड इन किलिंग रामागुप्ता नॉट ओनली सीज इज किनो बट ऑल्सो मैरिड इज विडो ध्रुवा देवी वज फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू द सिल्वर कॉइन्स इन मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओर सखा एंड एव अडोप्टिड द टाइटल सखारी एंड विक्रमादित्य द गुप्ता एज इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड सॉइ इज इश्यूज ऑफ लार्जस्ट नंबर ऑफ Gold coins. उसके बाद आता है हमारा कुमारा गुप्ता गुप्ता टू के बाद कुमारा गुप्ता वन है कुमारा गुप्ता वॉज अ वर्शिपर ऑफ गॉड द नलंदा महाविहारा विच डेवलप ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग दोस्तों उसके बाद आते हैं स्कंद गुप्ता जी जो फोर फिफ्टी फाइव टू फोर सिक्सटी सेवन स्कंगदा गुप्ता वॉज अ लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनके टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर हुनास ने इन्वेड कर दिया था और सक्सेस इन रिपेलिंग द हुनास सीम्स टू हैव बिन सेलिब्रेटेड बाय अजम्शन ऑफ टाइटल विक्रमादित्य दोस्तों ठीक है विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया उसके बाद आई थी पुष्यभूति डायनेस्टी द ग्रेटेस्ट किंग कौन थे हर्षवर्धना बहुत बार आपने नाम सुना होगा इनका द सना प्रभाकर वर्धना ऑफ थानेश्वर ही शिफ्टेड द कैपिटल टू कन्नौज हुएंग विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन दोस्तों हुएंग संघ फाहिंग किसके टाइम पे आए थे बता सकते हैं आप चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे और वैंग संग किसके टाइम पे आए थे हर्षवर्धना के टाइम पे तो कंफ्यूज मत होना ही एस्टैब्लिश एस्टाब्लिश लार्ज मोनेस्ट्री एट नलंदा भाना भट्टा अडोडिस कोट रोड हर्ष चरित्र एंड कडम्बरी हर्षा इंसल रोड थ्री प्लेस दोस्तों क्या 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 लिखा है हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद रत्नावली के बारे में प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ठीक okay. है उसके बाद है राष्ट्रकुटास फाउंडेड बाय दंतीडुर्ग कृष्णा वन बिल्ड द कैलाशा टेम्पल एट एलोरा अमोगा वर्षा who is compared to vikramaditya and wrote first kannada poetry kaviraj Mary. rajkoda sir credited for building cave shrine eleventa dedicated to shiva dostu skat gangas ho gaya jo ke orissa mein zyada rule kiya tha unhone narsimha deva constructed the sun temple at konark okay to puch sakta hai ki kisne sun temple ko banaya hai narsimha deva ne ananta varman built the jagannath temple okay who is to rule before गंगास and built lingaraj temple dostu उसके बाद है हमारे पल्लवास founder कौन hai simha vishnu कैपिटल कंची ग्रेटेस्ट किंग कोने नरसिम्हा वर्मन हु फाउंडेड द टाउन ऑफ ममलापुरम जिसे हम महाबलीपुरम भी कहते हैं ओके एंड बिल्ड रॉक कट केव्स इवन पगोडास ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं हमारे छोलास फाउंडर विजय राय कैपिटल क्या है, है दोस्तों तंजोर है कैपिटल क्या है तंजोर आदित्यवन वाइब डॉट पल्लवास एंड वीकेंड द पांडयास उसका बाद पुरंतका कैपिटल मदुरई वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकोटा रूलर ओके कृष्णा थ्री एट द बैटल ऑफ तकोलम उसके बाद राजा राजा वन है 1985 टू 1014 जीरो वन फोर लेट एंड नावल एक्सपीडिशन अगेनेस्ट शायलेन्द्र एम्पायर एंड कौन कौन नॉर्थ नॉर्थ श्रीलंका कंस्ट्रक्टेड राजा राजेश्वरी शिवा टेम्पल एट तंजोर ओके उसके बाद राजेंद्र वन एनेक्स द होल ऑफ श्रीलंका टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडा एंड फाउंडेड गंगाई कों चोलापुर सो वेरी इंपॉर्टेंट है हु फाउंडेड द गंगाई कोंडा चोलापुर राजेंद्र वन ओके नेक्स्ट है डांसिंग फिगर ऑफ शिवा दोस्तों बिलोंग्स टू चोला पीरियड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सिस्टेड उस टाइम पे क्या थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी दोस्तों सो दिस इज़ अबाउट मेडिवल पीरियड मेडिवल या फिर एशियंट नॉट मेडिवल सॉरी एशियट इंडिया है ये एशियंट इंडिया के बारे में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट थे थेग्वेदास के बारे में ओके okay, डायनेस्टिस के बारे में सब कुछ शॉर्ट एंड सिंपल में हमने पढ़ लिया इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर आल्सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेडिवल इंडिया के बारे में बताऊंगा ओके okay? छोटे uh, छोटे वीडियो से थर्टी मिनट्स के अराउंड वीडियोस रहेंगे ताकि आपको भी इजीली रिमेंबर हो सके तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टेक केयर स्टे सेफ थैंक यू सो मच दोस्तों